आज संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बाबा जी की दया मेर सदका आप सब ठीक होंगे और बाबा जी की कृपा दया में होंगे। क्या था बाबा जी का डेरा ब्यास की संगत के लिए जरूरी संदेश आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बाबा जी द्वारा जब से हजूर जी को डेरा ब्यास का अगला उत्तराधिकारी बनाया गया है, तब से संगत में बहुत से सवाल चल रहे हैं। डेरा ब्यास को लेकर, बाबा जी की सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी अफवाहें। सोशल मीडिया पर एक मैसेज आ जाता है कि बाबा जी की सेहत ठीक नहीं है और हम सब अंधाधुंध मैसेज को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना सोचे समझे, बिना कोई खबर का पता किए कि क्या सच है। हमें इस प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए। पहले हमें उस खबर की जांच परख कर लेनी चाहिए, फिर विचार करना चाहिए क्या सच है। हम बाबा जी के सेवक तो कहलाते हैं, पर हमारा भरोसा भी एक मिनट में टूट जाता है। जब ऐसा सब चल रहा है तो बाबा जी को भी बोलना ही पड़ गया, मेरी संगत तो भोली है, जल्दी यकीन कर लेती है। बाबा जी ने पाठियों की मीटिंग के दौरान पाठियों से कहा कि आप सब अपने अपने सेंटर में जाएं और मेरा संगत को संदेश दें कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। मुझे अभी हजूर जी के साथ बहुत लंबे समय के लिए काम करना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, बाबा जी की सेहत बहुत अच्छी है। आप सब ने देखा होगा, बाबा जी और हजूर जी अभी डेरा जगमाल वाली के दस्तारबंदी के प्रोग्राम में शामिल हुए थे, तो सब जानते ही हैं बाबा जी की सेहत बहुत अच्छी लग रही थी। आप सभी ने दस्तारबंदी की वीडियो भी देखी होंगी, तो घबराने की बात नहीं है। जो बाबा जी का हुक्म है, हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना चाहिए।